वो तो शेयर कर देगी वो। कृष्णा निताई ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्वी का गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की विशेष कृपा से हम लोग आज जिस स्थान पर अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इसका नाम भांडिरवट भांडिर वन। ये कृष्ण की लीला स्थली यहाँ की अलग अलग प्रकार की बहुत सी लीलाएं हमारे गुरुदेव आकर के यहाँ पर हम लोगों को श्रवण कराते थे। गुरुदेव पहले तो बहुत वर्षों तक यहीं ब्रज में ही रहते थे और बहुत बार ही भक्तों को लेकर के भी स्थान स्थान पर दर्शन के लिए जाते थे और फिर ब्रज मंडल परिक्रमा इत्यादि में विशेष आयोजन भी करते थे। उसके बाद में जब उन्होंने विशेष रूप से प्रचार कार्य करना प्रारंभ किया तो उस समय जिस भी स्थान पर जाते थे सभी लोगों को निमंत्रण करके आते थे कि आप लोग ब्रज मंडल परिक्रमा में आना। जगत में लोग जो हैं वो कहाँ पर हम लोगों को लेकर के जाते हैं, बहुत सारे स्थान हैं घुमाने के लिए, कोई कहीं लेकर के जाता है कोई कहीं लेकर के जाता है, किंतु गुरुदेव सभी लोगों को कहाँ पर लेकर के आते थे, ब्रज में लेकर के आते थे। लोग जाते हैं भारत में भी बहुत सारे स्थानों पर घूमने के लिए और विदेशों में भी जाते हैं, किंतु गुरुदेव सब लोगों को कहाँ पर लेकर के आते थे, ब्रज में। ब्रज में आओ, यहाँ पर दर्शन करो, यहीं पर ही पैदल चल करके घूमना होगा, परिक्रमा इत्यादि होएगी। इसका कारण क्या है, अभी मैं हमारे साथ में सुंदर गोपाल प्रभु जी बैठे हुए थे, उन्हीं से पूछ रहा था कि इन्हीं स्थानों पर ही क्यों आना है हम लोगों ने। अगर केवल साइट सीन ही देखने हो तो वो तो बहुत अच्छे अच्छे और भी मिल सकते हैं, कितने स्थानों पर। यहाँ पर साइट सीन देखने के लिए तो आते नहीं, तो फिर किस लिए आते हैं। उसी के लिए उन्होंने कहा कि ये जो स्थान हैं यहाँ पर राधा और कृष्ण ने लीलाएं की हैं, ये चिन्मय भूमि है, अभी हमारे को अपने आँखों से दिखाई देती नहीं है, लीलाएं अभी भी चल रही हैं। जिस समय गुरु वैष्णव की कृपा होती है उस समय फिर क्या होता है,
ये सारे स्थान जैसे हैं हमें वैसे दिखाई देते हैं, अभी जैसे हैं वैसे नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि हमारे नेत्र जो हैं अभी उसके लिए प्रस्तुत नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, भोगमय नेत्रों से भगवान के, भक्त के और भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन नहीं होते। भोगमय नेत्रों से, प्रेम नेत्र से इनके दर्शन होते हैं, प्रेममय नेत्रों से दर्शन होते हैं। तो इसीलिए जिस स्थान पर हम लोग आए हैं, यहाँ की विशेष महिमाएं जो हैं, हम लोगों को जब तक कानों के माध्यम से हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारे को इन स्थानों के दर्शन होते नहीं। प्रभुपाद जी ने और एक उपदेश में भी यही बात ही बोल दी कि कलयुग में विशेष करके दर्शन जो हैं वो नेत्रों से नहीं कानों से होते हैं। कान से कैसे दर्शन होते हैं? ऐसे वाले भक्तों के माध्यम से जो लोग इन स्थानों के प्रति कैसे हैं, प्रेम से युक्त हैं। इसलिए परिक्रमा के लिए बताया, हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रज मंडल परिक्रमा। परिक्रमा शब्द का अर्थ क्या होता है, हमारे महाराज जी हम लोगों को बताते थे, क्रम का पालन करते हुए सर्वतो भाव से किसी स्थान पर जाना, उसका नाम होता है परिक्रमा। परि और क्रम दो शब्दों से एक शब्द बना है परिक्रमा। परि शब्द का अर्थ होता है सर्वतो भावेना, अर्थात शरीर के साथ में, मन के साथ में, अपना सर्वस्व लेकर के, अर्थात बाकी सारी चीज़ों को पूरी तरह से भूल करके, बाकी सब चीज़ को पूरी तरह से भूल करके क्रम की रक्षा करते हुए कोई कार्य करना, उसको कहते हैं परिक्रमा। अभी हमारा शरीर यहाँ पर है, साथ में क्या चाहिए, मन भी यहीं पर चाहिए, उसके बाद में फिर क्रम का पालन करना है। क्रम का पालन क्या होता है, पहले श्रवण करना है, ये सबसे पहला एक स्टेप बताया। तो हम लोग किससे श्रवण करेंगे, कहते हैं जिस किसी से श्रवण करने से चलता नहीं, प्रणय भक्त से श्रवण करना पड़ता है। प्रणय भक्त मतलब जिसका इन स्थानों के साथ में संबंध है, जिनका इन स्थानों के प्रति प्रेम है, जो इस स्थान के हैं। इसीलिए गुरुदेव बोलते थे, कभी नहीं सोचना कि तुम लोग परिक्रमा करते हो, परिक्रमा मैं करता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे पीछे अगर चलोगे तुम्हारी भी परिक्रमा हो जाएगी। किंतु परिक्रमा तुम नहीं कर सकते, अभी तुम्हारा प्रेम कहाँ उत्पन्न हुआ इन स्थानों से। जिनका प्रेम उत्पन्न हो जाता है वो कैसे वाले होते हैं, कभी इन स्थानों को छोड़ करके जा ही नहीं सकते, उनके प्राण यहाँ पर बसते हैं। ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़त परण हराऊं, इन स्थानों को छोड़ करके वो जा ही नहीं सकते, उनके प्राण निकल जाएं किंतु तब भी नहीं जा सकते। तो इनको कहते हैं प्रणय भक्त। प्रणय भक्तों के साथ में परिक्रमा होती है, उनके पीछे पीछे चलने से, अनुगमन करने से। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम हो गया है। इसलिए विधि बताई गई, गौर आमार जे सब स्थाने करीला भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी वो आमी प्रणय भक्त संगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जिन जिन स्थानों पर गए, जहाँ जहाँ की भूमि को उन्होंने अपने पद से अंकित करके, पदांकित भूमि करके सुशोभित कर दिया, मैं उन स्थानों पर जाऊंगा, किंतु कैसे जाऊंगा, प्रणय भक्तों के साथ में, ऐसे भक्त जिनका प्रेम हो गया वहां से। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इस धाम में आए हमें दिखाने के लिए कि इन स्थानों पर जाना चाहिए, वहां का महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ब्रज में आए थे और स्थान स्थान पर वो स्वयं गए थे, द्वादश वनों में, उपवनों में भ्रमण किया था। फिर उनके
जो हृदय के भावों को जानने वाले भक्त लोग, वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, वो भी सारे इस ब्रज में क्या करते थे, स्थान स्थान पर जा कर के एक वस्तु की कामना करते थे, क्यों आना यहाँ पर, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पुतले कालिंदी वन्य कुता, घोषंतव इति सर्वतो ब्रजापुरे खैदैर महाविहिवलो, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालको। ये जो षड गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के एकांतिक अनुगत जन, ये स्थान स्थान पर ब्रज में जाते थे, उद्देश्य क्या था, भावना क्या रहती थी, भावना रहती थी कि हे राधे, पुकारते थे उनको, पुकारने के लिए आना होता इन स्थानों पर, किसको पुकारना है, हम लोग संसार में हजारों चीज़ें पुकारते हैं, किंतु कहते हैं यहाँ पर किसको पुकारना है, राधा और कृष्ण को, किस लिए पुकारना है, राधा और कृष्ण को पुकारना है किस लिए, क्योंकि वास्तविक रूप में हमारे जो सबसे अधिक प्रिय हैं, सबसे अधिक निकट में हैं, जो सबसे अधिक हमारी चिंता करते हैं, वो राधा और कृष्ण हैं, इसलिए उनको पुकारना कि आप क्या करें, कृपा करके अपने दर्शन दें, मुझे अपना सेवा प्रदान करके कृतार्थ कर दें, उनकी सेवा करने के लिए उनको पुकारना, इसीलिए ये ब्रज जो छठ गोस्वामी गण है वो उनको पुकारते थे, हे राधे ब्रज देवी के, हे राधे आप तो ब्रज देवी हैं, ब्रज देवी के, हे ललिते, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे ललिते आप तो सदैव राधा जी के साथ में ही रहती हैं, हे नंद सुनो कुता, हे नंद महाराज के पुत्र आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, हे राधे आप कहाँ हैं, हे ललिते आप कहाँ हैं, हे कृष्ण आप कहाँ पर हैं, इस प्रकार से हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, क्या आप गिरिराज गोवर्धन के जो वृक्ष इत्यादि हैं तलहटी में, आप उनके नीचे बैठ कर के कहीं लीला कर रहे हैं, या फिर श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्य कुथा, या फिर आप कालिंदी के तट पर जो वन हैं, निकुंज कुंज इत्यादि हैं, उनमें कहीं पर हैं, इन प्रकार की भावनाओं को लेकर के विलाप करते हुए, सेवा की कामना करते हुए कि मेरे जीवन में क्या कभी एक भी दिन ऐसा होगा नहीं कि मैं आपकी कोई सेवा कर पाऊँगा, दर्शन ही होंगे नहीं, संबंधी यदि होएगा नहीं, आप मेरे पुकारने पर आएंगे भी क्यों, सेवा भी मेरी क्यों ग्रहण करेंगे, इसलिए अपने ऊपर पूरी तरह से अविश्वास होने के कारण एक व्यक्ति क्या करता है, प्रणय भक्त के पीछे पीछे चलता है कि उनके ऊपर अवश्य ही कृपा करके राधा और कृष्ण उनकी सेवा लेंगे, मैं भी यदि साथ में जाऊंगा तो मेरा भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा, इसी भावना के साथ में भक्तों के साथ में परिक्रमा करने की विधि बताई, भक्तों के साथ में, हमारे साथ में श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी बैठे, इन्होंने हमारे गुरुदेव के साथ में कितने वर्षों तक इसी प्रकार से परिक्रमा की, हम लोगों का सौभाग्य हुआ नहीं, हम लोग, मेरे को ऐसा स्मरण आता है कि एक बार इस स्थान पर आया था, जिस वर्ष गुरुदेव ने इस स्थान का कुछ रेनोवेशन करवाया था, उससे पहले कभी आया था तो यहाँ पर केवल ये वृक्ष जो है होता था, ये स्थान जिस पे हम बैठे हैं जैसे ये चबूतरा इत्यादि ये नहीं था, हम लोग जब आए थे तो पता भी नहीं था कि ये स्थान क्या है, केवल गांव के लोगों से सुन करके कि ये कोई वृक्ष है, विशेष स्थान है, इसलिए यहाँ पर आए थे, कुछ और पता नहीं था। बाद में फिर गुरुदेव ने क्या किया, यहाँ का थोड़ा सा महात्म्य लिखवाया, इसलिए उनके नाम का यहाँ पर अभी भी वो जो महात्म्य गुरुदेव ने लिखवाया था वो वहाँ पर वृक्ष के नीचे लिखा हुआ है, और इस स्थान को ये चबूतरा इत्यादि बनवा करके गुरुदेव ने रेनोवेट करवाया था, ताकि भक्त लोग जब आएंगे उनको पता चले कि ये एक बहुत जो महिमा सूचक ये वृक्ष है, इसी के नीचे ही राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो हुई थी,
यहीं पर ही उनका गंधर्व विवाह इत्यादि हुआ था। वृषभ भानु महाराज जी यहाँ पर उपस्थित थे, नंद बाबा यहाँ पर उपस्थित थे। ऐसी वाली आंधी आ गई, तूफान आ गया, आकाश में ऐसा मेघ आ गया कि पूरा एकदम से चारों तरफ काला जो अंधकार है वो छा गया पूरा। और फिर उसी में ही नंद बाबा जो हैं वो एक स्थान पर रुक गए, कुछ देख नहीं पा रहे थे। और उसी में ही फिर यहीं पर ही ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का पूरा आप सुनाएंगे, मैं सिर्फ वही बोल करके। इस महाराज जी ने इन सारी कथाओं को बहुत बार गुरुदेव के मुख से भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से सुना हुआ है, और साथ ही साथ में फिर अनेक बार वो स्वयं भी कितने भक्तों को लेकर के ना जाने कब कब ब्रज में ऐसे सब स्थानों पर दर्शन करते हुए, भक्तों को कराते हुए उन्होंने यहाँ पर वास किया है। इसलिए हम लोग उन्हीं से ही प्रार्थना करते हैं कि वो हम लोगों को यहाँ का महात्म्य श्रवण कराएंगे। हरे कृष्णा, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री भांडीरी भट्ट की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की। इसका इको इको है ना, इको बंद कर दो, आता है कि इसको बंद करना। हरे कृष्णा, हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर आए हैं, ये स्थान का नाम क्या है? साधारण लोग क्या करते हैं जानते हो? बोले हमने वृंदावन गया है। बोले क्या किया? बोले गोलगप्पे खाए और टिकिया खाए और एक लस्सी, बढ़िया लस्सी पी करके आए और बांके बिहारी दर्शन किया और आ गए। बांके बिहारी दर्शन करके हम आ गए। देखो हम जहाँ पर आए ना, ये भगवान की असली लीला स्थली है। ठाकुर जी यही यही जगह पर आए, आ करके बड़ी प्यारी प्यारी ठाकुर जी बड़ी मीठी मीठी उन्होंने लीला की है। इसलिए भगवान से नारद जी दो बार प्रार्थना किया। कितना बार? दो बार। देखो नारद जी ने क्या ठाकुर जी से मांगे, बोले ठाकुर जी आप जहाँ जहाँ पर लीला की हो, अभी भी जो धूल है वहीं की लीला स्थलियों का धूल अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। भगवान तो जगत से गए, लेकिन हमारी कल्याण के लिए उन्होंने क्या छोड़ कर गए? कहते तीन चीज छोड़ कर गए। क्या छोड़ कर गए बताओ तो, क्या क्या? और हाँ, लगता है सब पंडित यहाँ पर बैठे हैं, अच्छी बात है। इसलिए ठाकुर जी हमारे लिए तीन चीज छोड़ कर गए, एक तो यमुना महारानी, दूसरी श्री गिरिराज गोवर्धन कृष्ण का समय से जो था, और ये जो ब्रज भूमि, ये जो लीला स्थली, ठाकुर जी ये तीन स्थित वस्तु हमारे लिए छोड़ कर गए, नहीं तो हमारा कल्याण कैसे होता है? अभी भी वही स्थान है, अभी तो कितना सुंदर पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, हाँ कितना सुंदर। इसलिए कृष्ण यहीं पर आकर के इसी वृक्षों के नीचे हम जैसे बैठे हैं, कृष्ण ऐसे बैठे रहते थे। इसलिए ये वृक्ष का नाम, स्थान का नाम है भांडिरी भट्ट। मतलब क्या? भा मतलब होता है प्रकाश, हैं। जिस वृक्षों को नीचे भगवान ने बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीलाओं को उन्होंने प्रकाश किया है, इसलिए ये स्थान का नाम भांडिरी भट्ट है। ये वृक्ष ने भगवान की सारी लीलाओं को दर्शन किया है। इसलिए गुरु जी कहते थे इन वृक्षों से प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? इन वृक्षों ने कृष्ण को दर्शन किया है, ठाकुर जी को दर्शन की है। इनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे वृक्षों अब हमारे ऊपर में भी कृपा करो, कभी जैसे आपकी कृपा से हमें ठाकुर जी की दर्शन मिले। और गुरुदेव यहीं पर आकर के भाव विभोर हो जाते थे, और यहीं पर हम तो यहाँ धूल में बैठने के लिए, अरे ठीक ठीक से बैठो, हमारी साड़ी नहीं तो कपड़ा धूल नहीं लग जाए। गुरुदेव कुर्ता खोल लेते थे, कुर्ता खोल करके और इसको चुंदरी खोल कर देते थे, और गुरुदेव पूरा यहाँ पर साष्टांग प्रणाम करते थे। क्यों? उनको पता है जे कि जो धूल है ये कोई साधारण धूल नहीं। इसलिए ब्रह्मा स्वयं कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, यहाँ का जो भूमि वो चिंतामणि है, यहाँ वृक्ष सब कल्प वृक्ष है, यहाँ का पानी सब अमृत है, हैं। यहाँ पर चलो तो ऐसे लगता है बड़े सुंदर कोई नृत्य कर रहे हैं, कोई बोलो तो लगता है बड़े सुंदर कोई भजन गा रहे हैं।
इसलिए गुरुदेव भाव विभोर हो जाते थे। इसलिए अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, इसलिए पहले यहाँ लोग इतना नहीं आते थे, इतना लोग नहीं आते थे, जानते नहीं थे। लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे, गुरु जी को साथ में जब मैंने आया, कहते 50 साल से मैं कंटिन्यू ये स्थान में, 50 साल से मैं आ रहा हूँ ये स्थान पर गुरु जी के समय से। इसलिए गुरुदेव ने धीरे धीरे ये लीला स्थली प्रकाश हो, क्योंकि साधारण लोग आ करके साइड सीन करके चले जाते हैं और गोलगप्पे टिकिया खा कर चले जाते हैं। लेकिन असली लीला स्थान पर आए, आने पर क्या होगा, नारद जी भगवान से 2 वर मांगे थे, उसमें 1 वर था, बोले प्रभु आप जहाँ पर ये मधुर मधुर लीला की, अगर कोई वैष्णव का अनुगत्य में यहाँ पर आए और वहाँ पर बैठे, बैठ कर वो कथा को सुने, तो इतना नहीं यहाँ धूल को पर लोट पोट खाए, अभी हम रमन रहते जाएंगे, खूब लोट पोट वहीं पर खाएंगे, यहाँ पर कोई लोट पोट खाए, जैसे एक दिन उसका हृदय निर्मल हो जाए और आपकी जो लीला, जो दिव्य लीला, उसका हृदय में प्रकाश हो। नारद जी भगवान से वरदान मांगे थे और भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले ठीक होगा इसे। इसलिए हम सब ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए आए हैं। इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी की 3 तरह का लीला हुआ है, एक सख्य रस की, एक बात्सल्य रस की और एक श्रृंगार रस की। इसलिए यहाँ पर सख्य रस का कौन सा लीला हुई, कृष्ण यहीं पर आकर के इसी वृक्ष को नीचे बैठ करके, जो छिके में कोई तरह तरह का, कोई मालपुआ, कोई लड्डू, कोई कचौड़ी हैं, तरह तरह का चीज़ लाते थे और गामछा में लाते थे और पेड़ में लटका देते थे, लटका करके गैया को यहीं पर छोड़ देते थे और कृष्ण सखाओं को साथ में यहीं बैठ करके भोजन करते थे। अभी हम भी भोजन करेंगे यहीं पर, इसलिए यहीं पर भोजन करते थे। गुरु जी कहते थे पास में यमुना नदी बह रही है, इसका टहनिया इतने दूर तक गया था, कभी कभी सखा लोग इसकी टहनिया में चढ़ करके इस पार से उस पार होते थे और इसको ऊपर में चढ़ करके पानी में छलांग लगाया करते थे, जैसे बचपन में बच्चे लोग खेलते हैं। और एक दिन कृष्ण यहीं पर बैठे थे, सखाओं के साथ में भोजन कर रहे थे और यहाँ पर मुंजा वृक्ष था, हाँ मुंजा वृक्ष, वो बड़े बड़े, उसके अंदर हाथी भी घुस जाए ना पता नहीं चलेगा। अभी गैया लोगों ने हरी हरी घास को देख करके धीरे धीरे उसको अंदर में फंस गई। कंस ने उनको दूतों को आदेश दिया था, कहीं भी सुजोग मिले ये कृष्ण को मार डालो। इतने में जब सखा लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, देखा हमारी गैया कहाँ चली गई, गैया दिख नहीं रहे। इतने में कृष्ण को छोड़कर सखाओं ने सबके सब चले गए ढूंढने के लिए, किसको, अपना गैया को ढूंढने के लिए चले गए। कंस ने देखा बड़ा अच्छा सुजोग है, हैं अभी सबके सब बीच में फंस गई। और मुंजा टवी वो एक पेड़ होता है, बड़े सरकंडा जैसे पेड़ होता है, बहुत बड़े बड़े पेड़, और सूखा हुआ था। उन लोगों ने आग लगा दी, जब उन्होंने आग लगा दी इतने में चारों तरफ में आग लगे ना, बड़े जल्दी हवा बहती चारों तरफ में फैल गया। इतने में सखाओं ने बड़ी जोर जोर से पुकार, बोला कन्हैया कान्हा तुम कहाँ हो, हम फंस गए, मर रहे हैं, जल्दी आओ। इतने में कृष्ण झट प्रकट हुए, बोले एक काम करो, तुम सब आंख बंद कर दो। क्या कर दो, सबके सब आंख बंद कर दो। अभी सखा लोग सोच रहे हैं ये कन्हैया को जादू टोना जानता है, क्योंकि बड़े बड़े विपत्ति जब जब आई ना, ये हमें बचाया, और कोई मंत्र हो ना एकांत में बोला जाता है, बोले सबके सब आंख बंद करो। कृष्ण आंख बंद करने लगे, बताए बोले इसलिए बताए, कभी मैंने मिट्टी खा ली और सखाओं ने मैया से शिकायत कर दी, पता नहीं मैया ने सीधा मेरे कान पकड़ करके कितना उठाया बैठाया हैं, और गोबर गोमूत्र गोबर से हमें स्नान कराया। अगर मैं आग पान करूँ ना, अग्नि को पान करूँ, अभी पता नहीं अगर मैया से बोल दिया, पता नहीं मैया क्या करेगी, इसलिए आँख बंद कर दो। सखा ने जब आँख बंद की, भगवान उन्होंने हाथ को ऐसे किया, अंजलि बद्ध किया, तो अग्नि कौन है, भगवान की दासी, भगवान का सेवक है। इसलिए बोलते मत भयात बाति वा तोयम सूर्य तपति मत भयात, हैं इसलिए दहति अग्नि मत भयात, भगवान की ये सेवक है, कहते तो अग्नि में जो दाही का शक्ति मेरी कृपा से है। इसलिए भगवान जब ऐसे की, अग्नि ने झट आकर के भगवान अंजलि पर आ गई। अंजलि पर आते ही भगवान ने क्या किया, अग्नि को भगवान ने पान कर दिया। इसलिए यहीं पर भगवान ने दावानल भगवान पान किया। तब हमारे टीकाकार कहते हैं क्या भगवान ने अग्नि पान किए हैं, इसलिए में जब अग्नि को उन्होंने बुलाया, इतने में जोग माया आ गई, बोले क्यों, बोले भगवान मुंह कितने कोमल है, जो मक्खन खाने वाले, दूध दही पीने वाले, अभी जोग माया सोच रही भगवान अग्नि कैसे पान करेंगे। इतने में जोग माया आकर के क्या की, वो जो अग्नि को स्वयं जोग माया ने पान कर लिया, भगवान को पान करने नहीं दिया। लेकिन नाम किसका हो गया,
नाम किसका हो गया? ठाकुर का नाम हो गया, भगवान अग्निवान की है। हाँ, तब गुरुदेव इसके अंदर में शिक्षा की बात बताया करते थे। बोले गाभी क्या हुआ, उन लोगों ने हरी हरी घास को देखकर घोर जंगल में प्रवेश कर दिया। ये गाभी मतलब क्या, गोभी, गो मतलब होता है इंद्रियां। हमारी जो इंद्रियां, ये हरी हरी घास क्या, बोले संसार, हरी हरी घास क्या, ये संसार। अभी ये जीव क्या करता है, संसार को तो देख करके हरी हरी घास, ये संसार ऊपर से बड़ा लोभनीय है, हैं, लेकिन अंदर में फंसोना जैसे सोने का कलसी हो, अंदर में हाथ डाल तो जहर जहर है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, संसार दाबा नलली धलोक प्राणाय कारुण घनाघ। इसलिए कहते हैं ये संसार नहीं दाबा नल, ऊपर में देखने में बड़ी सुंदर दिख रहा है, लेकिन अंदर में प्रवेश करो ना, पहले पत्नी का मुंह कैसे लगती है, चंद्रमुखी का, तो एक चंद्रमा आकाश में और एक चंद्रमा हमारी पास में, लेकिन वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में क्या लगती है, सूरजमुखी, बाद में ज्वालामुखी। ऊपर में देखने के लिए तो संसार बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जो दिल्ली का लड्डू खाया ना, बम्बे का लड्डू, वो भी पछताया, और जो नहीं खाया वो भी पछताया, दोनों ही पछता रहे। इसलिए ये संसार दावा नल है, अग्नि है, हैं? इसलिए इधर क्या हुआ, जब घोर उसमें प्रवेश किया, चारों तरफ में कंस का दूत ने आग लगा दी। लेकिन जब आग लगाया, इतने में उन्होंने भगवान को पुकारे, इतने में भगवान वहां पर प्रकट हुए। ठाकुर ने किया, बोले बोले आँख बंद करो, क्या करो, आँख बंद करो। ठाकुर ने क्या किया, फिर उन्होंने पूरा के पूरा अग्नि पान कर लिया। फिर जब आँख खोल कर देखे ना, वो अग्नि को अंदर में नहीं थे, वो सबके सब बड़े ही सुंदर, ये बट वृक्ष का छाया, बड़ी मीठी मीठी हवा बह रही है, यहाँ नीचे बैठ करके गैया सो रहे हैं, सखा लोग बड़ा मस्ती से भोजन कर रहे हैं। हाँ, गुरुदेव बोलते थे उसी तरह हम भी अभी संसार में फंस गए, ये हरी हरी घास देख करके, संसार की लुहावना को देख करके फंस गए। अभी हमें करना क्या, संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ससुर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई काम से, कोई पैसा से दुखी दुखी है। लेकिन अभी करना क्या, भगवान का आँख बंद करो, क्या करो, आँख बंद कर दो। आँख बंद करना मतलब क्या है, बोले ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाओ। ठाकुर जी आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, उनके चरण में जब शरणागत हो जाएंगे ना, भगवान कहते हैं क्या है, भगवान कहते हैं अगर मेरे चरण में तो शरणागत हो जाओगे, आँख बंद करके शरणागत हो जाओगे ना, फिर जब आँख खुलोगे यहाँ पर नहीं दिखोगे, कहाँ दिखोगे, गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी के चरण में बैठते हुए देखोगे। इसलिए क्या करनी चाहिए, बोले तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति। जब ठाकुर जी के चरण में जाएंगे परम शांति, परम आनंद। इसलिए ठाकुर जी यहाँ लीला की, कहते ये सख्य रहस्य है, कहते बात्सल्य रहस्य की अभी कथा सुना रहे थे ना प्रभु जी, यहीं पर ही नंद बाबा गोचारण करते करते आए थे, हठात आकाश में काला मेघ आंधी तूफान आ गया। तो अभी कृष्ण अभी नंद बाबा अभी बूढ़े उम्र में कृष्ण हुए, बूढ़े उम्र में लल्ला हो ना, पिता माता को नाती पोती बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए नंद बाबा कृष्ण को भी साथ में लेकर के आए थे, गोचारण के लिए आए तो, लेकिन कृष्ण को भी साथ में लेकर आए थे। इतने में जब इतनी जोर आंधी तूफान घना घोर अंधकार जब हो गया, अभी कृष्ण नंद बाबा सोचने लगे अभी क्या करूं, अभी एक गैया को संभालू ना, लाला को संभालू। इतना देखते देखते से राधा रानी यहाँ पर कहाँ प्रकट हुई, और राधा रानी यहाँ पर आ गई, बोले नंद बाबा लाला को मेरे को दे दो। इतने में कृष्ण नंद बाबा की गोद, श्री राधा रानी की गोद में चली गई। जब चले गए, राधा रानी कृष्ण को लेकर यहीं पर आ गई, यहीं पर आए तो इतने में कृष्ण किशोर बन गए और राधा रानी किशोरी बन गई, और जितने ललिता सखिया ना, जितने सखियाँ थी, सब के सब यहाँ पर आ प्रकट हो गई। प्रकट होकर के यहीं पर राधा कृष्ण को शादी करवा रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में ब्रह्मा जी हंस वाहनों पर जा रहे थे, जब उन्होंने देखा यहाँ पर तो ठाकुर जी की शादी की गाना गा रहे हैं, इतने में ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी आकर के देखो वहाँ पर, देखो वहाँ पर ब्रह्मा जी बैठे हुए, और वहाँ पर राधा कृष्ण को यहीं पर उन्होंने गंधर्व विवाह करवाया है, वेद मंत्र को साथ में गंधर्व विवाह कराया। इसलिए यहाँ के जो ब्रजवासी लोग कहते हैं, देखो यहाँ पर दो वृक्ष है, और बीच में एक वृक्ष स्वाभाविक रूप में, कि दो जो दो वृक्ष है ना, एक कृष्ण है एक राधा है,
जैसे बीच में जैसे लड़का लड़कियों को बैठा करके बर और लड़की को बैठा करके शादी कराते ना, कहते बीच में एक वृक्ष दोनों तरफ में कहते हैं ये राधा कृष्ण बैठे हुए और ब्रह्मा जी वृक्ष रूप में, जैसे तो वृक्ष भी स्वाभाविक रूप में ऐसे प्रकट हुआ है, कहते ब्रह्मा जी मानो बैठ करके राधा कृष्ण को विवाह करवा रहे हैं। देखो कुछ कुछ लोग कभी कभी भगवान पर कटाक्ष करते हैं, बोले क्या कटाक्ष, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहता है, कहते देखो बगैर शादी के लड़का लड़की को नहीं मिलनी चाहिए, ये अवैध है, ये शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए कभी कभी कहते हैं राधा कृष्ण तो शादी नहीं किए, जब शादी नहीं किए कैसे एकत्र कैसे मिल रहे हैं, एकत्र कैसे घूम रहे हैं, हमारे भारत इसको स्वीकार करता है कोई नहीं, इसको बहुत गंदा मानता है नहीं, लेकिन हमारे शास्त्र बताया बताया नहीं, ब्रह्मा जी यहीं पर उन्होंने राधा कृष्ण को उन्होंने शादी करवाया। और एक है हम संकेत जाएंगे वहाँ पर भी राधा कृष्ण को, वहाँ पर भी विवाह का स्थली है, यहाँ पर भी विवाह का स्थली है, राधा कृष्ण यहाँ पर भी विवाह किए। इसलिए श्री जीव गोस्वामी गोपाल चंपू ग्रंथ में राधा कृष्ण को विवाह की वर्णना करते हैं गोस्वामी लोगों ने, लेकिन कहीं कहीं पर उन्होंने दिखाई पड़ता है जावट में जैसे अभिमन्यु को साथ में शादी हुई, कहीं कहीं दिखाई पड़ता है शादी नहीं हुई, पर ऐसे क्यों ऐसे क्यों। गुरुदेव दो तीन एग्जाम्पल देते थे, पहला एग्जाम्पल देते थे देखो जैसे दो पति पत्नी रहते हैं जयपुर में, माने दो पति पत्नी जयपुर में रहते हैं, इनकी शादी हो गई और वो पति कहीं नौकरी करता था, मानो इनका ट्रांसफ़र बेंगलोर में हो गई, इनकी ट्रांसफ़र बेंगलोर हो गई, जब ये दोनों पति पत्नी बेंगलोर जाएंगे फिर दोबारा क्या शादी करेंगे, क्या होगा बता, फिर दोबारा शादी करने का जरूरत है क्या नहीं, जब देखेंगे समझ जाएंगे ये दोनों पति पत्नी। इसलिए गुरुदेव कहते थे नित्य गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण नित्य लीला, वहाँ पर नित्य लीला कर रहे, प्रिया प्रियतम रूप में नित्य लीला वहाँ पर कर ही रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पर जब आएंगे ठाकुर जी पर शादी करने का कोई जरूरत है, अरे ऑलरेडी जैसे राम सीता अपना अयोध्या में शादी किए, यहाँ पर भी शादी किया, अगर नहीं करते और तो ऑलरेडी तो वहाँ पर है ही है, कहते ये एक कारण है। कहते तीसरा कारण गुरुदेव कहते थे जो परक या जो प्रेम है शादी में क्या हो जाता है, जब पति पत्नी शादी हो जाती है उसमें क्या होता है, पहले तो प्रेम बड़ा सुंदर रहता है, पता है ना, पहले चंद्रमुखी फिर ज्वालामुखी फिर तो सूर्यमुखी हो जाती है, लेकिन बगैर शादी के, राधा कृष्ण के शादी के ठीक हो गया तो शादी होने वाले, लेकिन जोग माया ने देखा अगर ये शादी हो जाएगी ना ये तो फिर द्वारका हो जाएगा, ये फिर मथुरा हो जाएगा, वृंदावन नहीं रहेगा, ये परकिया रस रहेगी नहीं, परकिया मतलब बिना शादी के जो प्रेम है। इस जगत में देखना पत्नी जितनी सुंदरी क्यों नहीं हो, जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, देना अगर और दूसरी लड़की से अगर प्रेम हो जाए ना, जितने उल्टा पुल्टा हो देना ज़्यादा प्रेम उसमें हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें आसानी से मिलती है ना वो चीज़ का हम महत्व नहीं देते हैं, जो चीज़ दुर्लभ होता है उसका महत्व देते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने बताए परक या प्रेम में तीन विशेष चीज़ है, एक तो दुर्लभता है, जो चीज़ दुर्लभ मिले वो चीज़ का हम महत्व देते हैं, एक दुर्लभता, एक निवारणता और एक प्रचरण कामुकता, ये तुमने तीन चीज उन्होंने परक या प्रेम की विशेष महत्व बताए हैं, उसमें ज्यादा आकर्षण रहता है, इसका मतलब नहीं हम बगैर शादी से प्रेम करेंगे, नहीं, वो केवल प्रेम की पुष्टि के लिए उन्होंने काम को किया है। इसलिए हमारे गोस्वामी ने दो तरह से दो चीज दिखाया, इसलिए यहीं पर राधा कृष्ण को उन्होंने यहीं पर शादी करवाया था, और जो माधुर्य जो प्रेम है श्रृंगार रस है यहीं पर एक समय कृष्ण सखाओं को साथ में मल्ल युद्ध कर रहे थे, जब मल्ल युद्ध कर रहे थे इतने में ललिता भी सखा सखियों ने आए, बोले क्या कर रहे हो, बोले हम लोग मल्ल युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण के साथ में मल्ल युद्ध कर रहे हैं, सखियों ने कहा मल्ल युद्ध, ये तो मल्ल युद्ध जो वीर पुरुष का होता है, तुम लोग ग्वाला लोग गैया चराने वाले हो, ये ग्वाला कोई मल्ल युद्ध करते तो वीर पुरुषों का होता है। इतने में सखाओं ने बोले इतने बड़े बड़े बात करते हो, जानते हो हमारा खलीफा कौन है, हमारी कौन क्या बोलते उसको हमारी लीडर कौन है, बोले कृष्ण है। ललिता विशा के बोले तुमको पता है हमारे लीडर ही कौन है, बोले कौन है, बोले राधा रानी, बोले हो जाए दोनों में मल्ल युद्ध हो जाए, देखते हैं कौन किसको हैं, कौन किसको हराता कौन किसको जीताता यहीं पर पता चल जाएगा। बोले ठीक है कृष्ण यहीं पर सुंदर स्टेडियम था, कृष्ण सखाओं के साथ यहीं पर, और राधा रानी अभी निकलने वाली राधा रानी, कृष्ण को जो पता चला राधा रानी आने वाली है, राधा सुन तो ही राधा जी का नाम कृष्ण तो कांपना शुरू कर दिया, कृष्ण का सखा उन्हें गए ऐसे क्या कर रहे हो, तुम हमारे लीडर हो, अगर तू हार गया ना हमारे नाक कान कट जाएगा, खबरदार हारना नहीं। कृष्ण कहते बता नहीं, राधा जी का नाम सुनते ही
मेरा शरीर में तो कंपमान होने शुरू हो गया, मेरे को तो कांप रहा हूँ, अच्छे तरह से रहो, हाँ अच्छे तरह से एकदम स्थिर रहो। इतने में राधा रानी जब कुंज से निकली, निकल करके एक बार तिरछी नजर से कृष्ण को देखा है, दर्शन करते ही कृष्ण जब राधा रानी की तिरछी नजर को देखना, यहीं पर कृष्ण लुढ़क गए। कृष्ण यहाँ पर हैं, कृष्ण यहाँ पर गिर गए। और जितने सब राधा रानी की सखियां थी ना, जोरदार ताली बजाए सबके सब। इसलिए इसलिए हमारे प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बंसी करार निपतित स्खलितम स्कंडम भ्रष्ट चपीत वसनम ब्रजराज सुनो। मतलब है जब राधा रानी की एक तरी चितवन कृष्ण के प्रति देखते हैं ना, वो तरी चितवन तीर है कृष्ण की, इस पार से उस पार हो जाती हैं, उनका मौर मुकुट गिर जाता, बंसुरी गिर जाता, कब कपड़ा गिर जाता कृष्ण को पता नहीं चलता। कल ये कमी हुई, दूसरे समय में कभी हुई, राधा कृष्ण यहाँ पर मल्ल युद्ध किए, मल्ल युद्ध करते 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 राधा रानी ऐसे धोबी पछाड़ पकड़े और कृष्ण को एकदम नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा तो इतने में कृष्ण नीचे, राधा रानी ऊपर में, ऊपर होते राधा रानी का जितना दल तो जोर से ताली बजाए राधा रानी के दल। जब जोर से उन्होंने ताली बजाए, कृष्ण ने कहा ताली क्यों बजा रहे हो, बोले तुमने चीत हो गया, तेरे पीठी नीचे लग गया, इसलिए तो हार गया, राधा रानी जीत गई। बोले क्या बोल रहे हो, उल्टा क्यों बोल रहे हो, किसका नाक ऊपर देखो ना। कृष्ण ऐसे लग रहे थे ना, हम कभी बोलते थे तेरे नाक को नीचा कर दूंगा, बोलते नहीं, इसलिए बोले किसका नाक नीचा, राधा रानी का नाक नीचा, मेरे नाक कहाँ है, ऊपर है, हैं। इसलिए जीता किसने, बोले कन्हैया ने जीते। इतने में सखा लोग बड़े जोर से ताली बजाए, अरे तुम लोग बड़बड़ कर दिया, हम लोग राधा रानी के बल है, हम कृष्ण के बल नहीं, हम किसी के बल है, हम श्री ईश्वर जी के दल है। इसलिए इतने पर, इसलिए यहीं पर वो श्रृंगार रस का लीला भी भगवान यहीं पर सुंदर सुंदर लीला की। वहाँ पर एक वेणुकूप है, इसी कूप में जब गोपियों को प्यास लगी, तद भगवान कृष्ण ने बंसी से उन्होंने वो कूप का भी खनन किया है, इसी पानी से उन्होंने सबको प्यास बुझाया। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा कि मेला भी बैठते, क्योंकि जो कूप है ना, कि जिनकी संतान नहीं होता है, कभी कभी अगर सवस्त्र को साथ में इसमें स्नान करे, वो कपड़े को छोड़ करके जाए, यहाँ क्या लोगों का मान्यता है, जिनकी संतान नहीं होता उनको संतान की भी जन्म होती है, क्योंकि ये भूमि जो चिंतामणि भूमि है, भगवान की धाम चिंतामणि, जो माग यही दे देते हैं। लेकिन जो असली संतान कृष्ण भक्ति है, हमें कृष्ण भक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए ये स्थान बड़ी सुंदर मनोरम स्थान है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, बढ़िया सुंदर लग रहा है ना। हाँ, इसलिए क्योंकि यहाँ जो नेचुरल देखो, ये तो पेड़ पौधा, अभी तो मयूर का आवाज़ नहीं आ रही, बड़े सुंदर मयूर यहाँ पर है, आ रहे थे ना। हाँ, इसलिए जब गुरु जी को साथ में एकदम सवेरे सवेरे आते थे ना, जैसे वहाँ पर गए थे, जब यहाँ आते थे बड़ी सुंदर मयूर, कोयल, कुहू, मयूर मयूर के का करते थे, बड़ा सुंदर मनोरम, अभी भी नेचुरल दृश्य यहाँ पर है। इसलिए हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में यहाँ पर आए, यहाँ पर प्रणाम करो, यहाँ का धूल लगाओ, ठीक है, और लौट मुट लगाओ, लौट मुट नहीं, कम से कम प्रणाम कर, धूल लगाओ यहाँ पर।